2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या मायावती जी वो इंडिया गठबंधन के अंदर आ रही है। और आज का अखिलेश यादव का अगर आप बयान देखेंगे तो अखिलेश यादव का बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अब उनके सुर थोड़े नरम होने लगे हैं। मायावती जी को अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उसका जो जवाब अखिलेश यादव की तरफ से आया वो जवाब ये बता रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं और मायावती जी को लेकर के जितना तीखा वो बोलते हुए नजर आए उसमें नरमी है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है और इंडिया गठबंधन के अंदर मायावती जी शामिल होंगी नहीं होंगी इस बात के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो अखिलेश यादव खड़े हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अगर हरी झंडी दिखा दी गई तो कांग्रेस पार्टी वो मायावती जी को अपने साथ लेना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार एक कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है बीएसपी के साथ में वो ये रहा है कि बीएसपी हमारा वोट तो ले लेती है लेकिन अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराती है। मायावती जी अपना वोट अपने वोटर को हमें वोट देने के लिए बोलती नहीं है, लेकिन मायावती जी का जो वोट है 20% का जो वोट है मायावती जी का वो इंपैक्ट है और वही मायावती जी का 20% वोट उसकी दरकार है मायावती जी को भी अगर उनको सीटें जीतनी है तो, और इंडिया गठबंधन को भी। और यही सबसे बड़ा अभी आज का मौजूदा सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर के रस्साकसी चल रही है। और आज का अखिलेश यादव का बयान उसको हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपना जो गियर है वो चेंज किया है। जिस ट्रैक पर अभी तक अखिलेश यादव चल रहे थे उस ट्रैक पर अखिलेश यादव नहीं बल्कि उससे थोड़ा इधर हुए हैं अखिलेश यादव, और अगर इतना ही और हो गए अखिलेश यादव तो फिर गाड़ी पूरी निकल जाएगी। अब आज अखिलेश यादव ने ऐसा कहा क्या? आज अखिलेश यादव से जो है सवाल पूछा गया इंडिया गठबंधन में मायावती जी की मौजूदगी को लेकर के, इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो या नहीं हो इसको लेकर के सवाल पूछा गया। अखिलेश से सवाल पूछा गया कि मायावती जी गठबंधन में शामिल होंगी क्या? अखिलेश की तरफ से कहा गया कि बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा। पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो जाए, क्या मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो रही हैं, क्या मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, ये सवाल था। और उस सवाल का जवाब अखिलेश यादव की तरफ से तीखा नहीं लेकिन थोड़ी सी चीजें, मैंने कहा ना अभी ट्रैक जो है वो इधर से इधर आया है, पूरा इधर नहीं हुआ है, पूरा इधर जब हो जाएगा तब गाड़ी पूरी निकल जाएगी। अब गाड़ी जो है वो दोनों एक ही जगह पर है, अभी गाड़ी केवल इतनी हुई है और जिस टाइम पर इतनी गाड़ी हो जाएगी तब दोनों गाड़ियां बराबर चलेंगी। तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा, पत्रकारों से जो है सवाल किया गया। देखिए राजनीति में जब इस तरह के सवाल जवाब होते हैं, इस तरह के सवालों का जब जवाब दिया जाता है तो वो जवाब पत्रकारों से नहीं दिया जा रहा है बल्कि वो जवाब मौजूदा लोगों से दिया जा रहा है कि जो मौजूदा लोग हैं जो ये सवाल का जवाब चाहते हैं उनको ये जवाब पहुंचा दिया जाए कि इंडिया गठबंधन को यह जवाब पहुंचा दिया जाए, राहुल गांधी को यह जवाब पहुंचा दिया जाए कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मायावती जी की और अखिलेश यादव की एक बैठक कराए और उस बैठक के अंदर उनको भरोसा दिलवाए, और यह अगर हो गया तो फिर उसके बाद में चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन मैं इस पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आगे चल करके बताऊंगा, और उसमें राहुल गांधी नहीं, मुझे लगता कि एक और शख्स है जो अखिलेश यादव की और मायावती जी की बैठक करा सकता है। अब वो शख्स कौन है मैं आगे आपको बताऊंगा। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के भी सवाल पूछा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि अखिलेश यादव जो ये यात्रा निकल रही है कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन 11 दिनों तक ठहर रही है। देखिए मेन समस्या क्या है, मेन समस्या ये है कि जब यात्रा ज्यादा दिनों के लिए किसी प्रदेश में रुकती है तो वहां की पार्टियों को लेकर पार्टियों को जो है समस्या खड़ी हो जाती है, टेंशन हो जाती है, और जब कम दिन रुकती है तो मीडिया सवाल खड़े करती है कि आप इतने बड़े प्रदेश में इतने कम दिनों में क्यों जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को अगर कांग्रेस पार्टी 5 दिनों में 7 दिनों में खत्म कर देती तो मीडिया सवाल करती कि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश उसी में आप कम दिन दे रहे हैं। तो अभी मीडिया सवाल नहीं कर रही है लेकिन सवाल जो है मीडिया वो विपक्षी नेताओं से कर रही है।
तो अखिलेश यादव ने इसको लेकर के एक जवाब दिया है और उस जवाब को मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा भी, और उस कहीं ना कहीं यहां पर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव सही है। अखिलेश यादव ने भारत यात्रा को लेकर के जो बात कही है वो सही है, अब उस पर हम आगे बात करेंगे। यात्रा से पहले उन्हीं प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो, यह अखिलेश कह रहे हैं, और इसका मायना क्या है आगे हम समझेंगे। सभी दल चाहते हैं कि यात्रा से पहले टिकट हो जाए और सीटों का बंटवारा हो जाए। अब इस पर अखिलेश क्या कह रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मायावती जी के ऊपर आते हैं। मायावती जी को लेकर के अखिलेश की तरफ से कहा गया कि बाद का भरोसा कौन दिलाएगा, और अखिलेश यादव जो है वो चाहते हैं कि मायावती जी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मायावती जी की विचारधारा को लेकर के या मायावती जी को लेकर के कोई अखिलेश यादव की पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई किसी प्रकार का जो है आपस के अंदर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन एक उनके अंदर सबसे बड़ा जो डर है, या राजनीतिक तौर पर जो है वो कहें कि वो एक सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि आपको हमारा वोट गया, और उनका एक वाजिब कारण भी है कि समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी और 5 ही रह गई। 2014 में भी 5 सीटें थी और 2019 में भी 5 ही रह गई, जबकि हमने गठबंधन भी किया। और बीएसपी की 0 सीट थी 2014 के अंदर, बीएसपी की 0 सीट थी, लेकिन बीएसपी 2014 के 0 सीट के मुकाबले 2019 में 10 सीटों पर चली गई। अब ऐसे में कोई भी पार्टी होगी उसको बुरा लगेगा, कोई भी पार्टी होगी उसको चुभेगा, और वही चुभन जो है वो अखिलेश यादव को भी है। अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए गठबंधन में मायावती आई, और गठबंधन में मायावती आने के बाद में उन्होंने ज्यादा सीटें ली, ज्यादा सीटों का डिमांड रखा, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि मायावती जी को जो है जबरदस्त फायदा हो गया, 0 से वो 10 पर चली गई। हम जहां पर थे हम वहीं पर रहे, हमें वोट नहीं मिला, हमें जो सीटें मिली है वो हमारे बलबूते वाली सीटें मिली, बीएसपी की तरफ से हमें हमारी तरफ वोट ट्रांसफर नहीं कराया गया, हमने अपनी तरफ से पूरा वोट ट्रांसफर जो है वो मायावती जी को करवाया, और इसीलिए वो 0 से 10 पर पहुंच गई। अब वो कह रहे हैं कि ये बाद का भरोसा कौन दिलाएगा, मतलब कि सीटें आज हम दे दें कि चलो 40 सीट पर जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ ले, 20 सीटों के ऊपर जो है वो बीएसपी लड़ ले, 60 सीट हो गई, 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ ले, 70 सीट हो गई, और 10 सीटें जो बची हैं उन 10 सीटों में से थोड़ा बहुत खींचतान करके 1-2 सीट जो है वो और बीएसपी को दे दी जाए, उसमें से जो है वो 4-3 सीटें जो है वो 5 सीटें वो आरएलडी को दे दी जाए, और उसमें से 2-3 सीटें जो है वो आजाद समाज पार्टी को दे दी जाए। तो मतलब 10 सीटों में से किधर से क्या खींचतान करके आखिरी में जो कर सकते हैं वो कर दिया जाए। अब कांग्रेस पार्टी कई बार जो है वो उनकी तरफ से कहा जाता है 30 सीटें, और कई बार कुछ कुछ अलग अलग जो है वो डिमांड अलग अलग नेताओं की तरफ से सामने आती है। अब अखिलेश यादव जो बात कह रहे पहले उसको समझिए, कांग्रेस पर बाद में जाएंगे, मायावती जी का और अखिलेश का जो चैप्टर उसको क्लियर समझ लेते हैं। मायावती जी का जो चैप्टर है, मायावती का चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, उनका चैप्टर 15 जनवरी को तकरीबन सामने आ जाएगा। और मैंने आपको 2-3 रोज पहले खबर बताई थी, मायावती जी अपने जन्मदिन के ऊपर एक वेबसाइट, एक ऐप लॉन्च करने वाली है, और उस ऐप के जरिए वो ये पूछेंगी कि आप ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए 2024 के चुनाव में। लोगों से पूछेंगे क्या हमें अकेले लड़ना चाहिए, क्या हमें इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए, क्या हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। लेकिन खैर ये बीजेपी के साथ वाला ऑप्शन वो अपने उसमें नहीं रखेंगे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन और अकेले, इन दोनों में से किसको चुने, इस पर जो है लोगों की राय जानने का काम करेंगे। अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अगर आप पूछेंगे, बीएसपी के वोटर से पूछेंगे या नॉर्मल आदमी से पूछेंगे, तो करीब करीब 60-70% आदमी ये चाहता है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन के अंदर चली जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मायावती जी ने इंडिया गठबंधन की तरफ आने के लिए तैयार कर दिया है रास्ता, और मायावती जी धीरे धीरे उस पर काम कर रही है। क्योंकि अगर नहीं आना होता तो फिर मायावती जी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया जाता कि हम नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो 2024 तक जो विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है सब अपने बलबूते पर लड़ेंगे। क्या रिजल्ट रहेगा वो एक अलग बात है, लेकिन हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, कि उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन अब मायावती जी के भी सुर बदलने लगे हैं, मायावती जी की भी जो ट्यून है वो बदलने लगी, और वो कह रही है कि कोई किसी को गलत तरीके की बयानबाजी ना करे, इंडिया गठबंधन के ऊपर गलत बयानबाजी ना करे, कभी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसका मतलब यह माना जाए कि मायावती अब धीरे धीरे अपने आप को ओपन कर रही है, खोल रही है
इंडिया गठबंधन में जाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं के अंदर एक माहौल बनाने का काम हो रहा है। और 15 जनवरी को मायावती जी के जन्मदिन पर यह ऐलान हो सकता है, तो आप मान करके चलिए कि उसकी जो है वो रूपरेखा रखी जाएगी 27 फरवरी 28 फरवरी, कम से कम 30 से 40 दिनों का जो है उसमें टाइम जरूर रखा जाएगा कि 15 जनवरी से या तो 15-20 फरवरी को या फिर जो है वो 25 फरवरी को 28 फरवरी को तो मायावती जो है उसकी फिर रिजल्ट की घोषणा कर सकती है। और फिर उसके बाद में ज्यादा समय बचेगा नहीं कि आपको लोकसभा चुनाव जो है वो मार्च के दो तारीख से लेकर के और 10 तारीख के बीच में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। और मायावती जी आचार संहिता लगने से या तो एक हफ्ता पहले या आचार संहिता लगने के एक हफ्ता बाद इस बात की घोषणा करेंगी कि लोग चाहते हैं कि हम अकेले लड़ें या लोग चाहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। तो ये जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि मायावती जी की तरफ से ये जो रवैया है वो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो अपने तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ आगे आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा गठबंधन बना है और इसको अगर आप गाली देंगे तो निश्चित तौर पर आपका वोट खत्म हो जाएगा। इस बात को मायावती जी भी जानती है और इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई किसी तरह की बेकार की बकवास ना करे, किसी प्रकार की जो है वो बयानबाजी, जो गैर जरूरी बयानबाजी उस तरह को ना दे। तो ये मायावती जी की तरफ से कहना, इसका मतलब साफ है कि मायावती जी आना चाह रही है। तो अखिलेश यादव को भी ये चीजें समझ में आ गई और अखिलेश यादव भी इस बात को कह रहे हैं कि हम मायावती जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद का प्लान कौन करेगा, बाद का भरोसा कौन दिलाएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को इस बारे में पहल करनी चाहिए, राहुल गांधी को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को एक साथ बैठाना चाहिए और राहुल गांधी को ये चीजें साफ करवा देनी चाहिए कि बाद का क्या होगा, बाद का भरोसा क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जितना राहुल गांधी की राजनीति को, अखिलेश यादव को, मायावती जी को मैं समझता हूं, तो राहुल गांधी इन दोनों नेताओं के बीच में नहीं बैठने वाले हैं। इन नेताओं के बीच में बैठेगा कौन या इन दोनों नेताओं को एक साथ बैठाएगा कौन, उस नेता का नाम है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ही, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं, वो भी नहीं, सोनिया गांधी ही मायावती जी को बुलाएंगी और सोनिया गांधी ही अखिलेश यादव को बुलाएंगी और सोनिया गांधी के घर पर या कहीं और मीटिंग होगी जिस मीटिंग में ये तीनों नेता मौजूद रहेंगे। बहुत हद तक संभव यह है कि मीटिंग वर्चुअली ना हो बल्कि ये मीटिंग जो है फेस टू फेस हो और इस मीटिंग के अंदर जो है वो बाद की और आगे की और पीछे की सारी जो भरोसा है या सारी जो गारंटियां हैं उसका भरोसा जो है अखिलेश यादव को दिलवा दिया जाए और उनके बीच का जो मनमुटाव है वो खत्म करवा दिया जाए। तो अब सवाल यह है कि कब होगा। चुनाव बिल्कुल पास आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की मंदिर राम मंदिर की जो राजनीति है वो लगातार चढ़ती जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष का कोई प्लान नहीं है क्या, क्या विपक्ष किसी प्रकार से कोई तैयारी नहीं है उसकी। तो ये जो सारे सवाल हैं इसमें ये कहा जा सकता है कि आपको आखिरी से आखिरी इस बात का जो रिजल्ट है वो 10 मार्च से पहले पहले किसी न किसी तरीके से मिल जाएगा। 10 मार्च से पहले पहले किसी न किसी तरीके से आपको, मैं ये खबर हो सकता है कि बता रहा हूं कि मायावती जी वो इंडिया गठबंधन के अंदर आ रही है 10 मार्च, ये तारीख आप याद रखिए 10 मार्च। 10 अप्रैल को पहली वोटिंग होनी है और पहली वोटिंग से पहले जब आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता लगने के बाद में हो सकता है कि मायावती जी की तरफ से पूरा रास्ता साफ कर दिया जाए। अब आइए अखिलेश यादव के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। अखिलेश यादव राहुल गांधी को लेकर के एक बात कह रहे हैं और मुझे लगता है कि वो वाजिब बात है। अखिलेश यादव की तरफ से एक बात कही गई है कि ये जो यात्रा निकल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की, ये उत्तर प्रदेश के 11 दिन क्रॉस करते हुए, 11 दिनों को जो है पूरा करते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। तो ये यात्रा में क्या आप शामिल होंगे, क्या इस यात्रा में आप आएंगे, अखिलेश यादव से सवाल किया गया। क्या ये यात्रा राहुल गांधी की है या इंडिया गठबंधन की है। अखिलेश ने कहा कि अभी तक तो ये यात्रा राहुल गांधी की है, कांग्रेस पार्टी की है, इंडिया गठबंधन की नहीं है। इंडिया गठबंधन की यात्रा तब बनेगी जब आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, ये बता दिया गया कि कहां पर कौन सी सीट के ऊपर कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, किसके साथ में कौन रहेगा, तो फिर उसके बाद में ये आप कह सकते हैं, ये आप मान सकते हैं कि हाँ अब ये यात्रा जो है वो इंडिया गठबंधन की है। और फिर जहां पर जिसको टिकट मिल जाएगी
वो उम्मीदवार अपने आप अपने पूरे दमखम के साथ में, पूरी ताकत के साथ में राहुल गांधी के साथ आएगा, खड़ा होगा और 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, उसकी लोकसभा का जो क्षेत्र होगा उसमें वो पूरी ताकत झोंकने का काम करेगा और राहुल गांधी के साथ में वो डट करके खड़ा हो जाएगा। तो आप यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालिए, लेकिन जो सीटों का बंटवारा है उस सीटों के बंटवारे को फाइनल करिए। ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव की तरफ से राहुल गांधी के लिए कहा गया कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर यात्रा को लेकर के अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं कि यात्रा को आप किस तरह से अंजाम देंगे, इसको लेकर के अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए सही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा आप इसमें वक्त लेना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वक्त जो है वो अभी भी आपको चाहिए, तो ये बात कुछ जो है वो ज़्यादा गले उतरती नहीं है और इस चीज़ को जो है अब ज़्यादा खींचना, बहुत ज़्यादा जो है इस पर जो है वो विचार करना, बहुत ज़्यादा जो है सीटों को लेकर के माथापच्ची करना, वो ठीक नहीं लगता है। जैसे ही ये राम मंदिर का और तमाम इवेंट ख़त्म हो जाता है, तो कम से कम 22 जनवरी को ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा, तो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में कम से कम सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सबके सामने आ जाना चाहिए। तो कम से कम जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनके पास में 2-2.5 महीने का समय होगा और 2-2.5 महीने के समय में उनके पास में कम से कम लोगों के पास में पहुंचने का, बताने का, पूरा अपनी ताकत झोंकने का एक पूरा मुकम्मल समय होगा। और अगर आप चुनाव के 15 दिन पहले अगर आप टिकटों की घोषणा करेंगे कि वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, तो फिर बहुत हद तक जो है फायदा जो आपको मिल सकता है वो फायदा हो सकता है कि आपको ना मिले। अब देखिए चीजों को समझिए, कांग्रेस के पास में सिर्फ 1 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव के पास में सिर्फ 5 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 सीट और 5 सीट कुल 6 सीटें हैं। और आप ये बताइए कि अब आप 2-2 सीट को लेकर के लड़ाई करें, कुल आपके पास में 6 सीट हैं और 2-2 सीटों को लेकर के आप लड़ाई करें कि नहीं वो 2 सीट तो हम लड़ेंगे, वो 2 सीट तो हम लड़ेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर ऐसे ही आप करेंगे तो फिर वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। फैसला लीजिए कि इतनी सीटों पर वो लड़ेंगे, इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, इन सीटों के ऊपर वो लड़ रहे हैं और इन सीटों पर हम लड़ेंगे। पहले नंबर क्लियर हो कि इतनी सीटों पर, 40 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 20 सीटों पर बीएसपी को दिया जा रहा है, 10 जो है कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है, तो ऐसे नंबर तय हो। नंबर तय होने के बाद में फिर सीटें तय हो कि कौन कौन सी पर्टिकुलर सीट है, और फिर सीटें तय होने के बाद में फिर अगला नाम है कि उस सीट पर लड़ेगा कौन। देखिए एक बहुत टेक्निकल सवाल है ये, कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि सीट किसी और के खाते में चली गई है और वो सीट मजबूत कोई और है उस पर, मान लीजिए कि ये सीट जो कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई कोई पर्टिकुलर सीट, और उस सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जो है वो चुनाव लड़वा दिया जाए, सिंबल जो है कांग्रेस पार्टी का हो जाए, कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी का हो जाए। इसी तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ था फूलपुर के अंदर, और वहां पर भी ऐसे ही जो है वो कैंडिडेट को बदलना पड़ा था और उसमें जीत हासिल हुई थी गठबंधन को। तो ये प्रयोग जो है वो किए जा सकते हैं और ऐसे प्रयोग जो है वो अपने आपको जो है जीत जो है वो दिलाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप इन प्रयोग करने में ही बहुत देर कर देंगे तो फिर जो है वो आप किसी और के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है आज की तारीख में जो बड़ी खबर है वो ये है कि मायावती जी का इधर आने का पूरा प्लान दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव के सुर वो नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है और भारत यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और उस माहौल से इंडिया गठबंधन को कितनी ताकत मिल पाती है, और उस यात्रा से पहले क्या कांग्रेस पार्टी सीटों का बंटवारा कर पाती है, तो इन सारे सवालों को लेकर के अब धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है और धीरे धीरे चीजें निकल करके सामने आने लगेगी। और ये चीजें जब सामने आ गई, पुख्ता हो गई, तब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि बीजेपी फिर वहां पर क्या करे। तो बहरहाल आप बताइए कि अखिलेश का मायावती जी को लेकर के अभी जो बयान है उसमें जो नरमी देखने को मिली है उसको आप किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को सीटों का बंटवारा कब तक कर दिया जाना चाहिए कम से कम,
इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।